थैंक यू सर। बाद ही तुझे कुछ और भी ऐसी ही अब इतनी तैयारियां, इस तरीके की बेहतर तैयारियां हम सब ने की। इंस्पेक्शन चीफ JK 08 7981 जिसके पायलट हेड कांस्टेबल राजेश पाल विक्रमाई की रफ्तार में आपसे एनसीसी में एडमिशन वुमेन कॉलेज जिसकी कमांडर यूनियन अंडर ऑफिसर मोनिका राजपूत एनसीसी लेवल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ एनसीसी यूनियन डिवीजन हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ बॉयज उनके हमरा परेड जुआई से सब इंस्पेक्टर प्रशासन सिंह दिन का हौसला जरूर बढ़ेगा। पुलिस लाइन के ड्यूटी के कमांडर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आईआरपी के ड्यूटी के कमांडर सब इंस्पेक्टर प्रेम कृष्ण इंस्पेक्टर सुधीर कुमार तालियां जरूर बजाइएगा इनके लिए। कांस्टेबल गगनदीप सिंह एनसीसी ट्वेंटी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के डिप्टी के कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर तानिया काटल यूनियन अंडर ऑफिसर मोनिका राजपूत एनसीसी नवल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का कठुआ के डिप्टी के कमांडर सीनियर कैडेट प्रणव खजूरिया गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी कठुआ वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन भारत का संविधान लागू हुआ और भारत वास्तव में एक संप्रभु देश बना। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। देश को गौरवशाली गणतंत्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया आज उन्हें याद करके भावांजलि देने का भी पर्व है। दोस्तों, गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। आज राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भाव से संपूर्ण भारतीयों का हृदय गदगद है। देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए हमें आपसी मतभेद भुलाकर देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना है। दोस्तों, संपूर्ण देश में बसोली चित्रकला, पश्मीना की कारीगरी, शुक्राला जसरोटा माता मंदिरों, पांडव काल के प्राचीन बिल्केश्वर महादेव मंदिर, अटल सेतु के लिए प्रसिद्ध हमारा जिला कठुआ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर की संस्कृतियों का संगम स्थल है। पूरे संघ शासित प्रदेश में विकास के व्यापक काम जारी है। इसी श्रृंखला में कठुआ में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूँ। इस वित्तीय वर्ष में जिला कैपेक्स बजट में पंचायतों, बीडीसी और डीडीसी की
सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में 2021-22 में दोगुने से भी अधिक राशि को मंजूरी दी गई। 620 करोड़ की इस राशि से जिले के समावेशी विकास की राह की बुनियाद रखी गई है। जिले में लंबित 100 परियोजनाओं में से 55 को लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरा कर लिया गया है, जिसमें जल शक्ति विभाग की 16 परियोजनाएं, बिजली की 5, आरएलबी की 25, स्कूल शिक्षा की 3, उच्च शिक्षा की 3 एवं उद्योग और वाणिज्य की 3 परियोजनाएं शामिल हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने मनरेगा के तहत कठुआ में 22,793 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया है।